So hey guys, it's me Vanmayee and welcome to my YouTube channel Vlogs by Vanmayee. So guys, पहले आप सबको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं. तो guys, कैसे आप सब लोग ठीक है ना? So guys, आज के वीडियो में मैं एक काढ़ा रेसिपी बनाने वाली हूँ जो कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हमें वो काढ़ा कैसे बनाना है वो हमें बताया गया है. So guys, ये जो मैं काढ़ा ड्रिंक बनाने वाली हूँ आपको कम से कम दिन में 2 बार जरूर पीना चाहिए क्योंकि ये जो कोरोना, अगर ये हम ड्रिंक पियेंगे तो हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं और आपको छोटी छोटी बीमारियां नहीं होंगी जैसे कि सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां नहीं होंगी. और अगर गाइस आप ये ड्रिंक पियेंगे तो आपको बहुत ही इम्यूनिटी मिलेगा. तो चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले मैंने लिया है इधर दालचीनी, ड्राई जिंजर, इलायची और मैंने इधर तुलसी के पत्ते लिए हैं. फिर मैंने लिया ड्राई ब्लैक ग्रेप्स और इधर काली मिरी और मैंने साथ ही साथ लिया है हनी, लेमन, पानी और एक स्पून. तो चलो अभी हम ये रेसिपी बनाते हैं. तो गाइस अभी हमें सबसे पहले एक छोटा सा जार लेना है और गाइस इस जार में हमें दालचीनी डालनी है. ठीक है, फिर दालचीनी बाद हमें डालनी है ये ड्राई जिंजर, हमें डालनी है इलायची और हमें काली मिरी डालनी है. ठीक है, फिर डालने के बाद हमें इसे बहुत ही अच्छे से ग्राइंड कर लेना है. तो गाइस हमने इसका पूरा अच्छे से पाउडर बना लिया है. तो अभी हम एक ऐसे यूटेंसिल लेंगे जिसमें हम ये पानी डालेंगे और इस पाउडर डालेंगे. तो चलो अभी डालते हैं. सो गाइस अभी हम इस स्टोव को ऑन करेंगे. ऑन करने के बाद हमें ये यूटेंसिल लेंगे. और फिर मैंने इधर एक बड़ा सा ग्लास में पानी लिया तभी हम इसमें ये पानी डाल देंगे और इसे हम थोड़ा सा मीडियम में रखेंगे ताकि बॉईल होने तक. सो गाइस अभी ये देख सकते कि इधर बॉईल हो रहा है तो हमने इधर जो पीस के हमने वो पाउडर लिया था अभी वो हम इसमें डालेंगे. सो गाइस अभी हमने डाल दिया तो आपको एक बार इसे मिक्स भी करना होगा. फिर गाइस मिक्स करने के बाद आपको थोड़ी देर तक इसे बॉईल करना होगा. सो गाइस अभी ये बॉईल हो चुका है तो अभी हम इसमें डालेंगे तुलसी के पत्ते डालेंगे. हमने जो ड्राइड ब्लैक ग्रेप्स लिए थे वो भी डालेंगे. सो गाइस अभी इसे थोड़ी देर हमें पकाना होगा. सो गाइस ये
अभी बॉईल हो चुके हैं, तो अभी एक बस और मिक्स कर देते हैं। तो गाइस मिक्स करने के बाद अभी हमारा पूरा काढ़ा हो चुका है, तो अभी हम इस पे ग्लास में सर्व कर डालते हैं। ये थोड़ा सा बची है, तो हम उसे थोड़ा सा और ऐसे प्रेस कर। तो गाइस ये हमारा फाइनली बन चुका है। और गाइस जब ये ठंडा, मतलब अभी ये गर्म है, फिर ठंडा होने के बाद आप इसमें एक लेमन डाल सकते हो, हाफ लेमन डाल सकते हो, लेमन जूस, और इसमें 2 चम्मच हनी भी डाल। गाइस मतलब ज़्यादा भी ठंडा नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। फिर गर्म लाइट हीट होगा, तो तभी हम एक लेमन डालेंगे और हनी डालेंगे। तो चलो अभी इसे ठंडा होने देते हैं थोड़ा। सो गाइस अभी ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है, मिक्स कर दो इसे अच्छे से। गाइस फिर अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इधर इधर हाफ लेमन लिया है, अभी हम हाफ लेमन इसमें डालेंगे। चलो डाल देते हैं। तो टेस्ट के लिए अच्छे से। गाइस मैं हनी भी डाल रही हूँ, 2 चम्मच हनी भी डाल रही हूँ। चलो हनी भी डाल। तो गाइस अब मिक्स होने के बाद मैं इधर डाल रही हूँ हनी 2 चम्मच। क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा है, तो हम इसके लिए 2 चम्मच डाल दें। इस काढ़ा का खट्टा मीठा, थोड़ा सा मतलब तुलसी का फ्लेवर, इलायची का फ्लेवर, दालचीनी का फ्लेवर, सब कुछ आ गया। मतलब सबको पूरी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है। और गाइस अगर आप इसे पियेंगे तो आपका काफ सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो गाइस इस काढ़ा ड्रिंक को आराम से 2 से 3 जन आराम से पी सकते हैं, तो आपको इसे घर में जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा है। गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो यार जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बाजू में जो बेल आइकन है ना उसको भी दबा देना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।